नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक बोल हाजिर हूँ दोस्तों, आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ चर्चा करने के लिए। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कि भावत भावम, जो शास्त्रों में बताया गया है सूत्र, इसको हम किसी चार्ट पर कैसे लगाते हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि भावत भावम होता क्या है, और आज चर्चा करेंगे इसको किसी चार्ट पर किस प्रकार लगाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये एक सूत्र है। सबसे पहले आगे बढ़ने से मैं ये जो दोस्त भावत भावम के बारे में नहीं जानते उनको एक जल्दी से बता देता हूँ कि किसी भी भाव की जब हम विचार करते हैं चार्ट में, 12 भाव हैं, 12 में से किसी भाव पर विचार करेंगे, वो भाव लगन से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी आगे जो भाव आएगा उसका भी हमें विचार करना चाहिए उस भाव के लिए जिसका हम विचार कर रहे हैं। यदि संतान का विचार कर रहे हैं कि पहली संतान के बारे में, तो उनका मानना है कि पहली संतान का यदि विचार फिफ्थ भाव से करेंगे तो फिफ्थ स्विफ्ट नाइन्थ बनता है, उस पर भी एक नजर डाल दीजिए। इसी तरह जैसे कि धन स्थान सेकंड भाव होता है, तो उनका कहना है कि यदि सेकंड भाव धन का है उसके बारे में विचार कर रहे हैं तो सेकंड से सेकंड थर्ड जो भाव है उस पर भी आप एक नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि उनका मानना है दोस्तों कि जो ये भावत भावम नियम है ये उस भाव कि जो इमेज है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ये उस भाव का फ्यूचर है। जब हम कई बार क्या होता है कि हम किसी भाव पर विचार करते हैं तो उस भाव के बारे में काफी हमें मजबूत दिखाई देता है वो भाव, लेकिन जब हम भावत भावम का नियम अप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में वो रियल उसका जो फ्यूचर होगा उस भाव का, तो वो इस नियम से पता चलता है। ये है भावत भावम नियम। अब जो शास्त्रों में कहा गया है उनका मानना है कि यदि किसी भाव का जो स्वामी है उससे जो भावत भावम भाव बनता है, यदि वो वहां प्लेस होगा तो फ्यूचर में जो पिक्चर दिखाई देगी आपको वो रियल नहीं होगी, वो एक इमेजिनरी होगी। ठीक है, आप कि फिफ्थ का भाव का स्वामी जो है, ठीक है, फिफ्थ फिफ्थ नाइन्थ बनता है, वो कहते हैं कि फिफ्थ का स्वामी नाइन्थ में चला जाए तो ये कोई पिक्चर जो है कुछ रियल पिक्चर नहीं होगी। ठीक है, दूसरा उनका मानना है कि यदि भावत भावम उसका स्वामी यदि उस भाव में चला है जिससे वो भावत भावम बनता है तो फ्यूचर में बनने वाली जो इमेज है वो अच्छी बनेगी। तीसरा उन्होंने पॉइंट जोड़ा, यदि भावत भावम का जो स्वामी है या भावत भावम जो हाउस किसी भी भाव से बनता है उसका संबंध उस भाव के कारक से हो जाए, एग्जांपल दे देता हूं कि सेकंड भाव का कारक धन का भाव है, उसका कारक गुरु होता है, उनका मानना है कि यदि गुरु का संबंध थर्ड भाव या थर्ड भाव के स्वामी से हो जाएगा तो जो इमेज बनेगी वो बहुत खूबसूरत बनेगी फ्यूचर के लिए सेकंड भाव के। एक पॉइंट उन्होंने दिया वो यह है कि यदि भाव और भावत भावम का जो स्वामी है इन दोनों का चार्ट में आपस में संबंध बनेगा तब भी फ्यूचर में क्या होगा कि उस भाव जिसका हम जिस भाव से वो भावत भावम है उसके जो सिग्निफिकेशन होंगे ना वो फ्यूचर में वो एक संकेत है कि वो चेंज हो सकते हैं, उनमें बदलाव आ सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास दोस्तों तीन चीजें हैं, एक तो भाव, एक भावत भावम और एक कारण। शास्त्रों का कहना कि यदि इन तीनों के स्वामियों का और इन तीनों भावों का आपस में सुमेल हो जाए, आपस में इनका संबंध बन जाए तो भविष्य में बनने वाली तस्वीर जो होगी खूबसूरत होगी, वो रियल होगी, जो दिखाई देगा खूबसूरत का मतलब रियल होगी, वो हाउस अकॉर्डिंग टू हाउस होगा तो अकॉर्डिंग टू हाउस वो खूबसूरत हो सकती है, वो रियल हो सकती है। ये है भावत भाव नियम। हाउस प्रॉमिस है, भावत भावम जो है वो इमेज है और जो कारक है वो ड्यूटी है। ये है भावत भावम नियम। अब इस नियम को कुछ एक दो चार्ट पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैं चार्ट आप लोगों के साथ दोस्तों द्वारा शेयर करूंगा, जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनको वो इनके नाम के बारे में काफी अच्छी तरह वाकिफ है। इनका नाम जो है वो है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स इनका जो लगन है वो है सिंह लगन।
अब देखिए सैवंत भाव का भावत भावम बना फर्स्ट भाव। यदि हम फ्यूचर में मैरिज के बारे में जानना चाहेंगे तो हम सैवंत से सैवंत मतलब फर्स्ट भाव के बारे में भी जानकारी रखें, तो ये इस भाव का फ्यूचर बताएगा, ये उस भाव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य फिफ्थ भाव में, यदि आप ध्यान से देखें तो इस चार्ट में जो वक्री मंगल है उसका फोर्थ एस्पेक्ट लगन पर जा रहा है और एट एस्पेक्ट जो है सूर्य पर जा रहा है, और यदि ध्यान दें 2004 में इनकी शादी हुई थी और 2010 में इनका डिवोर्स हुआ। इसी चार्ट में यदि आप सिक्स भाव और सिक्स भाव से सिक्स इलेवंथ भाव देखेंगे, सिक्स भाव में मकर राशि आती है और इसका स्वामी बकरी शनि ट्वेल्थ भाव में, और इस भाव ये बीमारी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, इन सब चीजों का भाव है। अब सिक्स से सिक्स इलेवन बना तो ये भी बीमारी के बारे में बताएगा। अब जो रूल के बारे में हमने चर्चा की कि भावत भावम का स्वामी उस भाव में बैठ गया मरकरी, और इस भाव का कारक डिजीज का सैटर्न है और इस भाव का स्वामी भी सैटर्न है जो कि ट्वेल्थ हाउस में बकरी होकर बैठा हुआ है और उसका एस्पेक्ट यहां पर आ रहा है। बैक की इनकी चार बार सर्जरी हो चुकी है। बात कर लेते हैं धन की, धन सेकंड भाव से देखते हैं और भावत भावम का नियम है कि थर्ड भाव, थर्ड भाव में तुला राशि और वहां पर राहु की प्लेसमेंट, सेकंड भाव धन का उसका कारक गुरु जो कि एट्थ भाव में मीन राशि में, और यहां से उसका सेवंथ एस्पेक्ट सेकंड भाव पर जा रहा है और यहीं से नाइन्थ एस्पेक्ट जो है थर्ड भाव का स्वामी शुक्र जो मून के साथ फोर्थ भाव में है मून के ऊपर भी जा रहा है। नियम यही था इन तीनों का आपस में संबंध हो, और जो भावत भावम बनता है उस भाव से उस पर कारक उसके साथ कारक का संबंध हो या उसके स्वामी से कारक का संबंध हो। तो जो जानकारी है हम लोग पढ़ते हैं मैगजीन में या न्यूज़पेपर में कि इनकी दौलत तो काफी ज्यादा आई थिंक 600 मिलियन डॉलर है, बहुत ज्यादा इनके पास पैसा है। लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है पैसा ज्यादा, लेकिन सेवंथ तुला राशि जो थर्ड भाव में पड़ती है सात नंबर, वहां पर राहु की प्लेसमेंट भी है। ये कुछ थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में कुछ पॉजिटिव जो है पिक्चर जो दिखाई दे रही है वो यही है कि वो धन का जो स्थिति है वो फ्यूचर में कुछ अच्छी हमें नहीं दिख रही। अब हम कुछ चार्ट और ले लेते हैं। यहां पर एक चार्ट लेना चाहूंगा, ये चार्ट जो एक्टिंग में काफी मीडिया या आर्ट में काफी इंटरेस्ट रखते हैं उनके बारे में लोगों को पता होगा कि ये शाहरुख खान का चार्ट है दोस्तों। 2 नवंबर 1965 इनका बर्थ दिल्ली में हुआ, ये समय दिया सुबह 6:26 का। अब इनके चार्ट में देखिए, इनके चार्ट में यदि थर्ड से थर्ड जो बनता है वो फिफ्थ भाव बनता है जहां पर शनि वक्री शनि कुंभ राशि अपनी राशि में विराजमान है, भाव काफी बली है फिफ्थ भाव, और फिफ्थ भाव आप जानते हैं कि आर्ट्स का भाव, फिल्म इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, इन सब चीजों का, और शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में। फिफ्थ भाव में शनि खुद विराजमान है, थर्ड भाव का स्वामी गुरु जो कि नाइन्थ भाव में बैठकर थर्ड भाव जो अपनी राशि है उसको भी बलवान करता है, और इसका संबंध यहां भी बना शनि के साथ। थर्ड जो रूल था कि जो कारक है वो भी इनमें शामिल हो जाए तो थर्ड भाव की थर्ड से थर्ड उसकी पिक्चर बहुत बढ़िया निकलता है। यहां पर देखेंगे वीनस जो है उसका एस्पेक्ट जुपिटर के ऊपर जा रहा है, तो खूबसूरत जो है जो इमेज
या जो ब्यूटी निकल कर आ रही है वो थर्ड हाउस से रिलेटेड ब्यूटी हमें निकल कर दिखाई दे रही है। इवन ये ब्यूटी जो है ये फ्यूचर जो जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो नाइन्थ से नाइन्थ भी फिफ्थ बनता है, ये नाइन्थ की जो पिक्चर है उसको भी रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर बुध देखेंगे तो बुध का जो प्लेसमेंट है वो सेकंड भाव में है और नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ बना, तो ये यहाँ पर शनि की जो प्लेसमेंट है वो बड़ी जबरदस्त बनके आ रही है और नाइन्थ भाव धर्म का है, तो धर्म को प्रमोट भी तो कर रहे हैं अपने धर्म को, और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका एस्पेक्ट जो है वो सैटर्न के ऊपर जा रहा है। जब नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ वहां ये सब नियम अप्लाई हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इंसान जो है अपने जीवन में अपने फ्यूचर में अपने धर्म को प्रमोट भी करेगा। अब एक चार्ट और ले लेते हैं दोस्तों, ये चार्ट जो है ये भी बड़ा खूबसूरत चार्ट है इयान जेम्स साहब का। इयान जेम्स साहब, इनका बर्थ 1962 ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, बड़े अच्छे ये स्विमर रहे हैं और 2004 ओलंपिक में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते। हम यदि चार्ट पर नजर घुमाएंगे तो थर्ड भाव से थर्ड फिफ्थ भाव बनता है सपोज, और यहां पर यदि आप देखें इस भाव पर थर्ड भाव के स्वामी सैटर्न का स्पेक्टर है और लग्नेश गुरु का भी आ रहा है, और थर्ड भाव पर फिफ्थ भाव के स्वामी मार्स का स्पेक्टर जा रहा है, और थर्ड भाव का कारक भी मंगल होता है। थर्ड भाव हमारे बाजियों को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड मंगल जो है स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये स्विमर है, जैसे मैंने कहा कि 2004 में ओलंपिक में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों। ये था भावत भावम नियम को किस प्रकार हम किसी चार्ट पर लगा सकते हैं और उस भाव का फ्यूचर कुछ भी कैसा भी हो आपको उसकी तस्वीर बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।